आज हम शुरू करने वाले वीडियो का नाम है लाहौर कलंदर शूट्स स्पॉन्सर दिस वीडियो या ये साना मार्केट की वीडियो है। अगर आप साना मार्केट में जानते हो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक करें, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अंटिल वो 30 ESP के बारे में उल्टा नहीं बोलते तब तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जब देखो बोलते है नहीं, वो याद है वो अमरी थी वो ये पबजी हो रही है लाहौर के फैंस है SPL जो देख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो है। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसके चैनल का नाम है बी अमन, सर्च करना यूट्यूब पे। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 सलाम मेरे अजीज पंखो, क्या हाल चाल है। हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में ना तो ऐसी खुशियां जिनको कोई और खुशी रिप्लेस कर ही नहीं सकती। पहले तो है भाई चाय, हर दूसरा पाकिस्तानी तुम्हें चाय का नशा ही मिलेगा। और दूसरी है क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, मतलब यार बहुत ही ओखा कर दिया है माम के लिए। अब तो सारे सस्ते आशिक अपने बेबी शोना से छुप के जो राशिद भाई के होटल में डेट मारने वाले थे वो भी इस डेट में नजर आसानी कर रहे हैं कि भाई या बेबी शोना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर PSL का मैच। क्या किया जाए, ओहो फिकर ना करो, वैलेंटाइन डे की अलग से वीडियो आएगी, इसको PSL की वीडियो ही रहने देते हैं। PSL वालों का नया एंथम आया 2019 का, जिसमें हर टीनेज लड़की के क्रश फवाद खान से गाना गवाया गया है। और जिस दिन ये गाना रिलीज किया गया था ना, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पे लोगों ने गले फाड़ फाड़ के बोलना शुरू कर दिया कि इस बार गाने का मजा नहीं आया, इस बार गाना बहुत बुरा है। क्यों? अली जफर बेस्ट था, मेरा घर कर दिया, मजा ही नहीं आया इस बार। यार मैं तो इतनी खुश होगी ना कि चलो वीडियो मटेरियल मिल गया, इतनी खुशी। लेकिन फिर जब मैंने ये गाना सुना ना तो मेरे मुँह से सब ट्रोल्स के लिए ना एक ही बात निकली, बकवास बंद करो। अच्छे खासे एंथम में भी नुक्स निकालने वाले वही लोग हैं जिन्हें घर में सर्दियों में भी दूसरे टाइम बिरयानी गरम करके नहीं दी जाती कि अभी गैस जाया हो जाएगी, वो ट्विटर पर आकर यू यू कर रहे हैं। देखो हर चीज में ना कीड़े निकालने से ना तो तुम कूल बन जाओगे, ना तुम्हारा स्वैग बढ़ेगा, और ना ही गली के कुत्ते तुम पर भौंकना बंद कर देंगे, और ना ही PSL की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। तो चिल करो, ठंड करो। बाकी तुम ये बताओ कि तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मेरा तो यार मसला ये है कि मेरे शहर की कोई टीम ही नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार ना मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूं, क्योंकि देखो मुझे लाहौर कलंदर की टीम से कोई लेना देना नहीं है। लाहौर को सपोर्ट करने का सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक, लुक एट हिज फेस। ये आदमी हर बार टीम पे इतना पैसा लगा देते हैं और हर बार बेचारे को डिसअपॉइंटमेंट होती है, बेचारे अंकल को दिल में पछतावा होता है कि इन्हीं पैसों की अगर मैं कमेटी डाल लेता तो गम की जगह खुशी के आंसू निकलता है। तो लाहौर प्लीज इस बार ना सबसे पहले पाकिस्तान वापस ना आ जाना, खुदा दा वास्ता तुहानू। इस बार फवाद राणा को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कितना अच्छा हो अगर फवाद राणा भी मुझे सपोर्ट करे, तो Promote you then hit me up. और बाकी टीम्स को भी बेस्ट ऑफ लक, सारी टीम्स मेरी अपनी है, ओके? यार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो एक बार अपने बालों में बारी कंघी फेरते हुए कहा था ना कि गुरूर का सर नीचा, फवाद राणा चीता। तो बस इसी बात को मैं अपने दिमाग में रखते हुए होप कर रही हूँ कि इस बार लाहौर ने ट्रॉफी उठानी है। बाकी अपना मुल्क, अपनी टीम, प्लेयर्स, अपनी ट्रॉफी, अपनी, तो रोला किस बात का। लेकिन नहीं है कुछ कमीना तबीयत लोग करते करते कब रेसिज्म पर उतर आते हैं यार, उन्हें खुद पता नहीं चलता। तो भाई साहब और बाजी जी, ये दूसरों को जो गंदा करते हो ना होनी तोड़े ना भी चंगी नहीं। टीवी के आगे बैठ के 2 मैचेस देख के खुद को रमीज राजा समझने वालों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, तो थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। सारे शहरों के लिए इज्जत और गेम को गेम समझने से आज तक किसी की भी कोकोमो में चॉकलेट की कमी नहीं आई। दूसरी टीम्स के जितने भी अगेंस्ट हो जाओ यार, लेकिन बिरयानी तुम्हें कराची की, सोन हलवा मुल्तान का, नस्वार पिशावर की, निहारी पाई लाहौर की, मीठा फ्रूट क्वेटा का, और खूबसूरती तुम इस्लामाबाद की चाहिए। तो इस बार अगर मुझे कोई रेसिस्ट कमेंट करता हुआ नजर आया ना, मैंने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन देना है और मोबाइल उठा के मैंने पानी वाली टैंकी में फेंक देना है, बस मुझे नजर आ जाए कोई। वैसे नजर से याद आया है, वैसे कोई गेसेस इस बार PSL के तरसे हुए कैमरा पर्सन हर ओवर के बाद क्राउड में बैठी किस हसीन लड़की का क्लोजअप लेंगे, और वो कौन सी लड़की होगी जो नेशनल क्रश बन जाएगी, कौन होगी इस बार, कौन बनेगी इस बार मीम्स की जीनत, कौन होगी इस बार सिंगल लोंडो की आंखों का तारा। जानने के लिए देखिए PSL 2019। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार PSL जीतेगी। और इसके अलावा कुछ दिन पहले मुझे लाहौर से एक फैन मेल रिसीव हुई थी, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन इट्स फादी लिखा है, तो मुझे लग रहा है इनका नाम फादी है। जो भी है, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी हुई आपका लेटर पढ़ के। और अगर तुम भी मुझे फैन मेल भेजना चाहते हो तो मेरा PO बॉक्स एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली
खिड़की भी ब्रेक दिया, कैसे अच्छी दिया इसका करना अच्छा बिल्कुल क्लीन शुद्ध अच्छा फनी भी। और मैं भी यार तेरे दिल से लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। क्या करें यार अपनी किस्मत में हार ली है, इधर पंजाब की से पंजाब में करो उधर लाहौर में करो दोनों हारते हैं। तुम कुछ करने वाली है देखी देखेगी श्योर कैसे देखेंगे उधर वो देखना है यार। देखो यार इंडिया में चलने चाहिए यार, पाकिस्तान चले इंडिया के चैनल चलते पाकिस्तान में चलने चाहिए इंडिया में भी। वैसे नहीं मैं यूट्यूब यार होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट वहाँ मिल जाते हैं मैचेस तो वहाँ पर देख लेंगे। और आप पक्का बताएं कमेंट्स में कि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी पी एस एल की वीडियो थी में तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट लाहौर किए हैं, सारे लाहौर किए हैं भी, सारे लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है। तो यार गाइस आप भी लाहौर को सपोर्ट करें, अपने सिटी का सपोर्ट करें, दूसरे को फर्क ना करें, अपने यही रहने वाला है अपना भी देखना चालू कर लीजिए, हमारा भी आएगा बेटा अपना टाइम आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करवा करें।